सो गाइज फोर्सलोना एज ऑलवेज चार गोल मारे यहाँ पे uh, चार्टीज को पी एच जी गेम जो है वो वन जीरो रहा लेकिन सबसे पहले सबसे पहले जो तो इंसिडेंट था मैच के अंदर बार्सोना गेम के मैच के अंदर इंसिडेंट था आई uh, थिंक किसी uh, जो स्पेक्टेटर है फैन जो स्टेडियम के अंदर थे उनको काटिए अरेस्ट uh, हुआ था विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट लेकिन यार आर ऑफ टू द कीपर चार्टीज कीपर कौन है uh, जिसने सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो वहां पे पहुंचाया एक्सेप्शनल एफर्ट बाय ऑल द ऑफिशियल्स वहां पे जिन्होंने उस चीज को मैनेज किया एंड होपफुली द फैन तो जो स्पेक्टेटर्स थे ही इज इन गुड हेल्थ तो बहुत अच्छा लगा देख के कि यार uh, ऑब्वियसली यार किसी भी इंसान की जो जान है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राधर देन द गेम इट और राइटली सो गेम रुकी और वेट किया गया जब तक uh, उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं हुई तो हैड्स ऑफ टू द कीपर ऑफ टू द ऑफिशल्स एंड ऑल द मेडिकल स्टाफ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ uh, उसके बाद बारसा के मैच की मैं बात करता हूँ बहुत ज्यादा की पॉइंट्स और बहुत से टेकअवेज हैं उस मैच में तो उसमें बात करता हूँ लेकिन मैसी दसिस्ट प्रोवाइडर मैंने आपको पीएससी और यूंटस का गेम स्टेडियम में देखने के बाद कहा था ठीक है अभी काफी जब से मैं पी एस सी और आ, उसका मैच देख के आऊ स्टेडियम के अंदर यूंटस का और उससे पहले भी क्या रहा हूँ लेकिन लोगों को समझ नहीं लगती बात मैसी के आई थिंक सात असिस्ट हो चुके हुए हैं और तीन या चार गोल है इन लाइक सेवन एट गेम्स और पीपल आर कॉल के उसका डिक्लाइन चल रहा है ही सारी चीजें जो है वो कही जा रही है हर जगह ठीक है और मैं उनसे तो कुछ भी नहीं कहना चाहता लेकिन उनको बस ये मशवरा देना चाहता हूँ उन लोगों को कि तुम लोग ना उन कुछ लोगों को मशवरा देना चाहता हूं कि मैच देखो फॉर अ चेंज स्टार्ट वॉचिंग द मैच मैंने आई थिंक पी एस सी जू के मैच में भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि मेसी से आगे खेल रहे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ प्लेयर्स जो मेसी से एडवांस पोजिशन में खेल रहे होते हैं दैट इज नेमार एम्बापे सबसे एडवांस नूनो मेंडेस और हकीम्यू से उसके बाद खेल रहे होते हैं और नेमार भी मैसी से एडवांस खेल रहा होता है एडवांस पोजिशन के ऊपर मैसी इज प्लेंग इन फ्रंट ऑफ वाइट तो ये उसकी एवरेज पोजिशनिंग कितनी डीप है वहां से तो वो एस टी प्रोवाइड करेगा गोल स्कोर करते हैं वो बहुत बड़ी बात है लेकिन मैंने आपको कहा था आप इस साल का सिस्टम स्पेशली देखे इवन पिछले साल भी आपको कहा था कि यार मैसी इस सिस्टम में ही इज एन असिस्ट प्रोवाइडर वो गेम को रन करता है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है यहाँ पे नोनोमेंडस के लिए एम के लिए स्पेशली नेमार के लिए दिस इज व्हाट उसकी जॉब वो है एंड इज प्रोफेशनल नफ टू डू द जॉब राइट और वो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से वो जॉब कर रहा है अगर उसको आप एडवांस पोजिशन में राइट right विंग के ऊपर खिलाएंगे या फिर फॉल्स नाइन कराएंगे आई एम हंड्रेड परसेंट जॉब जब इम नहीं खेल रहा था तब मेसी गोल स्कोर ही कर रहा था क्योंकि उसको वो एडवांस रोल मिला हुआ था जब इम नहीं खेल रहा था अब इम खेल रहा है तो आप समझें कि उसकी एवरेज पोजिशनिंग जो है वो मिड के अंदर रहती है तो जब आप बाकी प्लेयर्स से बाकी मिडफील्डर्स फील्डर्स है जो कि उस मिडफील्ड पोजीशन के ऊपर खेल रहे होते हैं मैसे विंग के ऊपर नहीं खेल रहा मैं एडवांस पोजीशन के ऊपर खेल रहा हाँ मिडफील्ड के अंदर खेल रहा है नेमा एम्बापेमी और नूनो के पीछे खेल रहा है वो ठीक है तो जब आप वर्ल्ड उसको और उसके स्टैट्स देखें तो उस हिसाब से उसके स्टैट्स वर्ल्ड क्लास है अभी इस सीजन को लेकर राइट ऑब्वियसली चैंपियंस लीग के अंदर उसको परफॉर्म करना है एंड वी वी विल विल वेट वेट फॉर फॉर दैट लेकिन लीग वन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस अभी तक वर्ल्ड क्लास है लेकिन लोगों को यह समझ नहीं लगती क्योंकि वो मैच ही नहीं देखते और वह स्टैट्स देख के जो है वो गेम को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं या प्लेयर्स को रिटेलाइज करना शुरू कर देते हैं तो ये तो बात हो मैसी प्रोवाइडर की के के गेम ऊपर के आते हैं आ, मैंने वो प्रिव्यू के मैच के अंदर आप लोगों को कहा था कि यार आई वुड पर्सनली वॉन्ट की बारसा फुल टीम के साथ जाए 45 फाइव मिनट्स के ऊपर गेम, गेम को किल करे और बाद में आराम से जो है वो प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए लेकिन चाबी का क्लियर आइडिया था कि नहीं जो उसके मेन प्लेयर्स हैं उसको उसने 30 मिनट से ज्यादा नहीं खिलाना विच वर्क आउट बारसा वॉन्ट इट फोर सलोना फोर जीरो तो आ, कोई इशू नहीं है और ऑब्वियसली अननेसेसरी तो आ, मतलब क्रिटिसिजम तो इसके ऊपर बनता ही नहीं है प्रेज ही इसके ऊपर बनता है लेकिन मतलब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि क्लियर स्ट्रेटेजी ये थी कि नहीं यार फोर्टी में फाइव मिनट्स भी नहीं खिलाना सिर्फ थर्टी मिनट मैक्सिमम

ऑफ़ेंसिवली कुछ भी नहीं किया वो उनकी वही स्ट्रेटेजी थी जो कि वर्क की है पहले हाफ के अंदर के भई बैक करना है हमने और तंग करना है बाशा को जैसे वो अवे हमेशा हमें करते थे लेकिन इवेंचुअली बारसा के पास अब ओफेंसिव क्वालिटी इन आपने सेकंड हाफ में देखा जब लेवन डॉस की और वारे वा प्लेयर्स आए ओबिय एक गोल हमने कर लिया था लेकिन बाकी तीन गोल जो हमारे मेन प्लेयर्स अब खेल रहे हैं उनके आने के बाद ही हुए हैं तो अब हमारे पास क्वालिटी है आ, पिछले सीजन कुछ सीजन्स में हमारे पास उतनी क्वालिटी नहीं थी ओफेंसिव क्वालिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो लो ब्लॉक में चले जाते थे डिसअपॉइंट बहुत डिसअपॉइंटिंग हाफ था बारसा का पहला और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी

मसले होते होतेहो एज ऑलवेज सॉलिड उसने एक चांस भी क्रिएट किया डीपे के लिए ही शुड मैं बात करता हूं अभी थोड़ी देर के अंदर बैलरी ने एक आ, आ, प्री प्रीएस टाइप दिया टू वर्ड्स आई थिंक इट वॉज तो बेलरिन का गेम डिफेंसिवली थोड़ा साइज नहीं करना चाहता बिकॉजेंट गेम पहला गेम था तो इसटिसाइज करें या फिर मतलब ना आप बहुत ज्यादा प्लेस कर सकते ना क्रिटिसाइज कर सकते वॉज ए डिसम बाल्डे डिफेंसिवली लुकिंग वॉज लुकिंग वेरी सॉलिड ऑब्वियसलीफेंसिव गो थोड़ी सी इम्प्रूव करनी है बट आई थिंक इट विल कम और उसको पैन का गेम लास्ट में खेलाना चाहिए बुस्किस का अच्छा गेम था गावी का थोड़ा सा ऑफ गेम था फ्रेंकी डियों का यार बहुत अच्छा गेम था वो वेरी इंप्रेस या फ्रेंकी ड्यूंग के पास एक एबिलिटी है कि वो ये ऐसे जा रहा होता है ना आगे जा रहा होता है और पीछे डिफेंडर उसके आ रहा होता है ऐसे करके पीछे डिफेंडर आ रहा होता है टेक्स अ टर्न और इतनी आराम से जो है वो बॉल के साथ ड्राइव कर जाता है फॉरवर्ड दिस ही हैज दिस एबिलिटी टू बी प्रेस दैट्स व्हाई आई आई पर्सनली फील मेरा अपना ओपिनियन है कि फ्रेंकी डियोंग को बाइन की गेम में खिलाना चाहिए क्योंकि बाइन आपको बहुत बुरे तरीके से प्रेस करेगी फ्रेंकी इज अ टाइप ऑफ प्लेयर लॉन्ग विद बुस् जो कि प्रेस रेजिस्टेंट है मैं ये नहीं कह रहा गाभी हैज बिन एक्सेप्शनल तो गाभी भी खेले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने परफॉर्म किया और जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं उनमें से कोई अच्छी बात है कंपटीशन होना चाहिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी फ्रेंकी डियोंग लेकिन गाभी भी स्टार्ट करता तो इतना कोई इशू नहीं है अच्छा एक बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे देखी कि फ्रेंकी डियोंग ने पैडरी को रेस्ट दिया गया तो फ्रेंकी डियोंग ने लेफ्ट साइड के ऊपर स्टार्ट किया और गाभी ने राइट साइड के ऊपर स्टार्ट किया तो इससे मुझे क्लियर इंडिकेशन दिखी कि पेड्री को रेस्ट दिया गया ही विल कम इन द लेफ्ट मिडफील्ड फील्ड जब बाइन के अगेंस्ट और गाभी स्टार्ट करेगा और गाभी को उसकी

अलॉन्ग विथ पैटरी ऑन लेफ्ट एंड साइड लेकिन चाबी ने पहले मुझे श्योरिटी दे दी कि गाबी नहीं ही बैन का मैच स्टार्ट करना है कि uh, पैटरी नहीं भी खेला तो गाबी राइट पे खेल रहा है क्योंकि नॉर्मली फ्रेंकी राइट के ऊपर खेलता होता है और अगर पैटरी नहीं होता तो गाबी लेफ्ट के ऊपर खेलता रहता है। तो मुझे श्योरिटी ऑलमोस्ट मिल गई थी कि यार गाबी जो है वो बैन की गेम के अंदर स्टार्ट करेगा लेकिन अब थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई जब पैटरी आया और बैटरी राइट साइड पर चला गया और फ्रेंकी फिर भी लेफ्ट साइड के ऊपर ही रहा यार फ्रेंकी की बहुत अच्छी गेम थी उसने गोल स्कोर किया बॉल एज ऑल्सवेज प्रेस असिस्टेंस टैक्लिंग उसके

इत, इतनी ज्यादा स्लगिशनेस नहीं दिख रही थी फेरन टोरस से तो यार फेरन टोरस को यस यू हैव टू क्रिटिसाइज हिम उसको अपॉर्चुनिटी थी उसके पास आज राइट right? एक दो जगह पे ही वॉज क्लोज टू स्कोरिंग द गोल लेकिन उसको मतलब बॉल गिव अवे नहीं करना यार देखो गोल ही निकल रहे कोई बात नहीं है लेकिन एटलीस्ट डोंट गिव अवे द बॉल दैट इजीली दैट्स माई मतलब ये मेरी एक सिंपल सा सबसे बड़ा क्रिटिसिजम फेरन टोरस के ऊपर भाई डोंट गिव द बॉल अवे दैट इजीली इन द फाइनल थर्ड सीधी सी बात है भाई डिपे आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं क्यों हमेशा से कहता रहा हूं कि यार डिपे ओपमय मैं रखना चाहता हूं मैं डिपे को नहीं रखना चाहता डिपे वॉज आवर गोल स्कोर टॉप गोल स्कोरर अब डिपे तो है मतलब उसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं इसलिए कहता था ये मैच बहुत बड़ी एग्जाम्पल है डिपे फॉल्स नाइन नहीं है मैं बहुत दफा कह चुका हूं डिपे इज नॉट अ स्ट्राइकर या तो वो नंबर टेन के रोल में बिहाइंड द स्ट्राइकर एक अच्छी ऑप्शन है या फिर वो वाइड अच्छी ऑप्शन है जब वाइड एरियाज में वो जाता है तो उसकी डिबलिंग अच्छी रहती है राइट लेकिन डिपे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम भाई उसको दस चांसेस चाहिए एक गोल स्कोर करने के लिए शूड हैव स्कोर्ड वो राहू ने उसको प्लेट के ऊपर रखते शुड द टारगेट उसके बाद भी उसको दो तीन अपॉर्चुनिटी मिली मैंने वही बात की है बॉल कंट्रोल ही टेक्स ऑफ़ टाइम ऑन द बॉल और सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते मैं पिछले सीजन भी एक्सप्लेन करके इवन ई वॉजर टॉप गोल स्कोर मैं थक किया था कि आपका टच फर्स्ट टच अच्छा होना चाहिए आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए या बॉल के ऊपर इतना टाइम नहीं ले सकते और ऑब्वियसली फिनिशिंग अगर आपने एज ए फॉल्स मैन या स्ट्राइकर खेलना तो आपकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए भाई दस अपॉर्चुनिटीज के बाद आप एक गोल करोगे तो इसका

रफिनिया का एक चीज़ मुझे थी कि ही इज लुकिंग डेस्परेट फॉर गोल्स अच्छा यार लेमनडोस्की ने ना एक आज एक चीज़ लेमनडोस्की से आज एक चीज सीखनी चाहिए यहाँ पर रफिनिया को भी आंसू फाटी को भी और डेम्बले को भी डेम्बले का बाय द वे बहुत प्रिय बेहतरीन प्रियोश लेमनडोस्की और लेमनडोस्की का यार एब्सल्यूटली वर्ल्ड क्लास होल्डअप प्ले एज ए स्ट्राइकर एंड ऑब्वियसली वहाँ पे वो गोल स्कोर करता सकता था यही एक, एक चीज मैं एक्सप्लेन करने लगाऊले ने भी गोल स्कोर किया विच कीपर शुड है गोल फॉर डेम्बले लेकिन मैं ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो रवीनिया डेम्बले और आंसू फाटी को सीखनी है यहाँ पेस्की से कि उसने होल्डअप प्ले किया यार फुटबॉल इज ऑलवेज मेरी नजर में फुटबॉल इज अबाउट कीविंग द बॉल टू द प्लेयर हु इज़ इन बटर पोजिशन लेवनडॉस की सो आंसू फाटी वॉज इन बेटर पोजिशन उसने उसको बॉल दे दी ये चीज डैम्बले को सीखनी है यह चीज रफीनिया को सीखनी है ये चीज आंसू फाटी को सीखनी है सीखनी है इट्स आप अगर एक बेटर पोजीशन में प्लेयर को बॉल देंगे और वो गोल स्कोर करता है और अगर सारे ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आप भी एवेंचुअली रिसीविंग एंड पे होंगे आपको भी वो इजी गोल मिलेंगे बिकॉज द अदर प्लेयर विल नॉट बी सर्फिश तो आज लेवन डॉस्की ने ये मैसेज क्या इज अ लीडर भाई अमेजिंग जब भी वो पिच के ऊपर आता है ही इज ऑलवेज टॉकिंग ही ऑलवेज प्रेजिंग ही इज अ लीडर दैट वी डेस्परेटली रिक्वायर्ड लेवन डॉस्की ने आज एक मैसेज दिया है और ये मैसेज क्लोजली कान खोल के सुनना चाहिए आंसू फाटी को रफीनिया को डेम्बले को इफ अ प्लेयर इज इन बेटर पोजिशन प्लीज गिव द बॉल टू द प्लेयर बिकॉज दैट्स एन ईजी गो योर सेल्फ रादर देन बी सेल्फिश दिस इज नॉट वे तो ये चीज आज रेमन ने सिखाई और ये सबसे बड़ा की पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे फॉर ऑल द प्लेयर्स तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फोर एंड आई एम सो हैप्पी so और ये हमेशा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर रहा है आई थिंक लास्ट टाइम हम चार्टी से जीते थे तो रोनाल्डिनो खेलता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टैट रॉन्ग भी हो सकता है मैंने कहीं से पढ़ा था एब्सुल्यूटली ब्रिलियंट वी वी मूव ऑन कल रियाल मेडिट का मैच है तो देखते हैं क्या होता है वहां पे बट ब्रिलियंट फ्रॉम बारसोनो आई एम सो हैप्पी सो गाइस दैट वाज माय रिव्यू लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कीप नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी